वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में पहले रविंद्र जडेजा और उनके साथ कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी और उसके बाद ईशान किशन की तूफानी बल्लेबाजी तो वह रविंद्र जडेजा की संभल कर बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को दिलाई जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेले गए बेहद ही शानदार पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 5 विकेट से बेहतरीन जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया की तरफ से ईशान किशन के इस शानदार बल्लेबाजी व गेंदबाजों के दमदार परफॉर्मेंस को देख कर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज पहले वनडे मुकाबले के टॉस की बात करें तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला वेस्ट इंडीज़ के कप्तान साई होप ने और गिरा रोहित शर्मा के पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो टीम इंडिया की तरफ से मुकेश कुमार का डेब्यू था, तो वहीं पर वेस्ट इंडीज़ की टीम भी एक अच्छी खासी टीम के साथ मैदान पर उतरी और दोनों टीमें अपने नेशनल एंथम के साथ मैदान पर नजर आई। नेशनल एंथम के बाद आज का मुकाबला जब शुरू हुआ तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे ब्रेंडन किंग, तो उनके साथ थे काइल मायर्स। लेकिन दोस्तों, पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर ब्रेंडन किंग ने वेस्ट इंडीज़ के लिए शानदार शुरुआत कर दी जब उन्होंने ओवर की तीसरी ही गेंद पर हार्दिक पांड्या के एक बेहतरीन कवर ड्राइव लगाया और चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने ही टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने पेवलियन भेजा काइल मायर्स को, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन रोहित शर्मा के एक बेहतरीन कैच और हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी ने उन्हें पेवलियन भेजा। उन्होंने 9 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन बनाए। इसके बाद दोस्तों, यहां पर टीम इंडिया की तरफ से पांचों ओवर एक बार फिर हार्दिक डालने आए तो उनकी चौथी गेंद पर डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक शानदार छक्का एथनेज के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं ही गेंद पर एक और शानदार चौका एथनेज के बल्ले से देखने को मिला। यहाँ पर भी उन्होंने कमाल का शॉट एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों, 6वें ओवर में मुकेश कुमार की दूसरी गेंद पर ब्रेंडन किंग ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और शानदार चौका लगाया, जबकि दोस्तों इसी 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी शार्दुल ठाकुर की गेंद को एथनेज ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका जड़ा। इसके बाद 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका देखने को मिला एथनेज के बल्ले से। हालांकि ये चौका यहां पर काफ़ी शानदार तो नहीं था क्योंकि विकेट कीपर के ऊपर से गया था, लेकिन चौका जरूर मिला। इसके बाद 8वें ओवर की पहली गेंद पर मुकेश कुमार के भी एक शानदार चौका देखने को मिला यहाँ पर ब्रेंडन किंग के बल्ले से और उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर मुकेश कुमार ने टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिला दी जब उन्होंने रविंद्र जडेजा के हाथों कैच करवाकर पेवलियन भेजा एथनेज को, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और इस मुकाबले में बड़ा स्कोर बना सकते थे, लेकिन मुकेश कुमार ने अपने कैरियर का पहला विकेट उन्हीं के रूप में चटकाया। एथनेज 22 रन बनाकर पेवलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने ब्रेंडन किंग को बोल्ड करके टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी, क्योंकि ब्रेंडन किंग भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 23 गेंदों पर 17 रन बनाकर उनको शार्दुल ठाकुर ने बोल्ड किया। इसके बाद दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ के कप्तान साई होप ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो उन्होंने 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर मुकेश कुमार के एक और शानदार कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 13वां ओवर डालने आए उमरान मलिक की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, जबकि दोस्तों इसी ओवर की 4थी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार गेंद उनके बल्ले का टॉप एज पर लग कर गई, लेकिन एक और चौका उन्हें जरूर मिला, यानी कि बैक टू बैक बाउंड्री 13वें ओवर में साई होप के बल्ले से देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों, यहां पर सिमरन हेटमायर को 16वें ओवर की 4थी गेंद पर चलता किया रविंद्र जडेजा ने। जडेजा की एक शानदार गेंद पर वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और बोल्ड होकर पेवलियन लौट गए। उन्होंने 19 गेंदों पर 11 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोमन पावेल नए बल्लेबाज के तौर पर एक बेहतरीन चौका लगाने में कामयाब हुए। उन्होंने फाइनल की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर साई होप ने भी एक शानदार
आउट खेला और गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से भी देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों 18वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा ने दूसरी ही गेंद पर रोमन पावेल को सोमन गिल के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा और टीम इंडिया को एक और सफलता दिला दी। यहाँ पर रोमन पावेल अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे लेकिन वो इस मुकाबले में निराश ही होकर लौटे क्योंकि 4 गेंदों पर सिर्फ 4 ही रन वो बना पाए और रविंद्र जडेजा का शिकार बने। जबकि दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर सैपट क्रीज पर उतरे, सैपट आए और सैपट गए क्योंकि विराट कोहली के एक कमाल के कैच ने उन्हें भी पवेलियन की राह दिखा दी। विराट कोहली ने शानदार कैच पकड़ा और सैपट चलते बने। सैपट ने इस मुकाबले में 2 गेंदों का सामना किया और शून्य पर ही वो आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद टीम इंडिया को अगली सफलता का इंतजार ज़्यादा देर तक नहीं करना पड़ा क्योंकि अगले ही ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने तीसरी गेंद पर चलता किया डार्केस को। डोमिनिक डार्केस यहां पर बिल्कुल स्टंप के सामने पाए गए थे और LBW आउट होकर पवेलियन लौटे। हालांकि उन्होंने रिव्यू जरूर लिया लेकिन वो बच नहीं सके और पवेलियन लौटना ही पड़ा। उन्होंने 5 गेंदों पर 3 रन बनाए। जबकि दोस्तों इसके बाद 21वें ओवर की 4थी गेंद पर कुलदीप यादव ने करिया कॉपी पवेलियन भेज कर भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी। करिया भी इस मुकाबले में कुछ भी खास नहीं कर पाए और 9 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार बने और भारतीय टीम को 8वीं सफलता 21वें ओवर की 4थी गेंद पर ही मिल गई। इसके बाद दोस्तों 22वें ओवर की 3री गेंद पर साई होप ने कमाल का शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया और एक शानदार छक्का लगाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक बार फिर जब 23वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव तो उनकी गेंद पर स्विप्स और रिवर्स स्विप शॉट खेलना चाहते थे साई होप लेकिन वो आउट होकर पवेलियन लौट गए। साई होप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन यहाँ पर कुलदीप यादव ने उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। उन्होंने 45 गेंदों का सामना किया और 43 रन बनाकर वो आउट हुए। इसके बाद आखिरी विकेट के लिए भी टीम इंडिया को ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा और 23वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने जेडिन सेल्स को भी पवेलियन भेज कर वेस्ट इंडीज़ की टीम को 114 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारतीय टीम की तरफ से सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप यादव की रही। जबकि दोस्तों कुलदीप यादव ने मात्र 3 ओवर में से 2 ओवर मैदान डालते हुए 6 रन देकर 4 सफलताएँ प्राप्त की। जबकि दोस्तों 3 सफलताएं रविंद्र जडेजा को मिली तो हार्दिक, मुकेश और शार्दुल ने एक एक विकेट लिया। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे ईशान किशन तो उनके साथ थे सुमन गिल। पहले ही ओवर में डोमिनिक डार्केस की 4थी गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ ईशान किशन ने शानदार आगाज किया। उन्होंने गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की 3री गेंद पर सुमन गिल के बल्ले से भी एक चौका गया, टॉप एज लगकर गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई। लेकिन दोस्तों इस चौके के बाद भारतीय टीम को पहला झटका 4थे ओवर की आखिरी गेंद पर लगा जब सुमन गिल के बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे ब्रेंडन किंग के हाथों में चली गई और जेडन सेल्स को पहली सफलता मिली। इस मुकाबले में 16 गेंदों का सामना करने के बाद 7 रन बनाकर सुमन गिल आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव उतरे। सूर्य ने आते ही यहाँ पर 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ा। ये कमाल का शॉट था जो फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए गया। इसके बाद इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला 6ठे ओवर की आखिरी गेंद पर भी, जब इन्होंने सेल्स की गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। इस बार भी गेंद शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार गई। लेकिन इसके बाद सूर्य के बल्ले से पहला छक्का 8वें ओवर की 2री गेंद पर देखने को मिला, जब इन्होंने अपना फेवरेट शॉट खेलते हुए बैकवर्ड स्क्वाड लेग की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया और जेडन सेल्स की गेंद पर एक और शानदार छक्का लगाया। इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से भी शानदार चौका देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने फाइन लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो इसके बाद दोस्तों 11वां ओवर डालने आए मोती के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जबकि ईशान किशन ने भी एक बेहतरीन शॉट जड़ा। इसके बाद दोस्तों यहां पर रिवर्स स्विप्स के अटैक में फंस गए सूर्य कुमार यादव, जब उन्होंने एक चौका लगा दिया था लेकिन इसके बाद लगातार 3 स्विप शॉट खेले जिनमें से एक भी स्विप शॉट सफल नहीं हुआ और आखिरी स्विप शॉट में वो अपना विकेट भी गंवा बैठे और सूर्य कुमार यादव के रूप में टीम इंडिया को दूसरा झटका लगा।
था। सूर्य अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन वो मौती का शिकार बने, जिन्होंने 25 गेंदों पर 19 रनों की पारी जरूर खेली लेकिन एक महत्वपूर्ण टीम विकेट टीम इंडिया ने 54 रनों के स्कोर पर गंवाया। इसके बाद 12वें ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन ने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने शानदार तरीके से स्वीपर कवर की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर ईशान किशन एक और शानदार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन एक इस बार गेंद सीधे गेंदबाज के हाथ पर जाकर लगी लेकिन दूसरे छोर पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए हार्दिक पांड्या, क्योंकि गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी थी और हार्दिक पांड्या का बल्ला हवा में था और वो 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर रन आउट होकर पेवलियन लौटे। इसके बाद भी ईशान किशन के बल्ले से जमकर रन देखने को मिला, जब 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को टिप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी कमाल का शॉट खेलते हुए एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए स्टेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा ईशान किशन ने। अब वो धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ पहुंच चुके थे लेकिन ईशान किशन ने 16वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार डबल रनों के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने मात्र 44 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक के बाद वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो पोवेल को अपना कैच थमा बैठे और मोटे का शिकार बने और भारतीय टीम को एक और झटका ईशान किशन के रूप में लगा, जिन्होंने 52 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर शार्दुल ठाकुर क्रीज पर उतरे लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर केसी करिया का शिकार बने और वो 4 गेंदों पर सिर्फ एक ही रन बना पाए। शार्दुल ठाकुर का कैच एथेंजे ने पकड़ा, जिन्होंने कमाल की फील्डिंग करते हुए स्लिप में उनका कैच लपक लिया लेकिन उनके आउट होने के बाद क्रीज पर रोहित शर्मा उतरे, जिनका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे सभी फैंस। रोहित भी यहां पर संघर्ष जरूर करते हुए नजर आए लेकिन आखिरकार रोहित ने अपना पहला चौका 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक रिवर्स स्वीप के जरिए लगाया, जहां पर उन्होंने बिहाइंड द स्क्वायर गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर रविंद्र जडेजा ने भी 22वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा, यह भी कमाल का शॉट था डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों विनिंग शॉट आया कप्तान रोहित के बल्ले से, जब दोस्तों 23वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार तरीके से स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और टीम इंडिया को 5 विकेट से इस मुकाबले में जीत दिला दी। भारतीय टीम ने इस जीत के साथ ही सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। लेकिन दोस्तों आपको आज का ये मुकाबला कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।